वैसे दुनिया में कई प्रसिद्ध रेगिस्तान है, लेकिन अक्सर हमने भारत के थार मरुस्थल और अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल के बारे में सुना है। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा भी रेगिस्तान है जो बहुत ही छोटा है। इसे हम कुछ कदमों में ही पार कर सकते हैं। हमने तपती रेत वाले रेगिस्तान के बारे में भी सुना है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी रेगिस्तान है जहाँ बर्फबारी होती है। दुनिया का यह सबसे छोटा रेगिस्तान कनाडा की यूकोन में स्थित है, जिसका नाम कारक्रॉस डिजर्ट है। आमतौर पर रेगिस्तान में दूर दूर तक सिर्फ रेत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यह रेगिस्तान इतना छोटा है कि नहीं यहाँ पर चलने पर थकान होती है और नहीं इसे पार करने के लिए सोचने की जरूरत है। यह सिर्फ एक वर्ग मील क्षेत्र में स्थित है। दुनिया के सबसे छोटे रेगिस्तान का नाम कारक्रॉस एक गांव के नाम पर रखा गया है। बताया जाता है करीब 4500 साल पहले इस गांव में लोग रहते थे, क्योंकि यहाँ पर लोग अभी भी रहते हैं। लेकिन यह रेगिस्तान किसी पहेली से कम नहीं है। यह रेगिस्तान बेहद ऊंचाई पर स्थित है और दूसरे रेगिस्तानों से इसका तापमान बेहद कम रहता है। यहाँ पर सर्दी पड़ती है और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ठंड के मौसम में यहाँ पर जमकर बर्फबारी भी होती है। भारी संख्या में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। आखिर इतना छोटा रेगिस्तान कैसे बना? इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं खोज पाया है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक झील थी, इसके सूखने के बाद यहाँ पर रेगिस्तान बन गया।